हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, मुझे अभी कुछ समय पहले मेरी एक मित्र ने मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, और पता चला था कि विजय कुमार आर्या एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जिन्होंने जो भी हम कचरा इकट्ठा करते हैं या कचरा फेंकते हैं, उसमें उस विषय को लेके जो गंभीरता है और जो इश्यूज हैं उनको लेकर वो एक मुहिम चला रहे हैं। वो पूरा मैसेज पढ़ने के बाद बहुत दुख हुआ, बहुत अजीब सा लगा, क्योंकि वो पढ़ के मैंने जाना कि हर सिटी में या किसी भी कस्बे में एक जो नॉर्मल मीडियम आबादी वाला होता है, वहाँ एक दिन में कम से कम 20 से 25 टन का कचरा इकट्ठा होता है। और दोस्तों, ये कचरा हमारे घरों से, फैक्ट्रीज से, हर जगह से, अस्पताल से, सब जगह से इकट्ठा किया हुआ होता है, और इसमें सब तरह का कूड़ा होता है। आजकल बहुत सारी जगह ये मुहिम चल गई है कि सूखा कूड़ा अलग और गीला कूड़ा अलग डाला जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है, और मोस्टली लोग डाल भी रहे हैं। लेकिन जो फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी ऐसी गंदगी होती है जिसको बहुत बार लोग प्लास्टिक में या फिर कपड़े में या कागज़ में लपेट के फेंक देते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा, बहुत सारे लोग एफर्ट भी नहीं करना चाहते। ये जो कचरे की गाड़ियाँ होती हैं, वो पूरे एक दिन भर में अपने अपने वार्ड में जाती हैं, और वहाँ पे जो कर्मचारी होते हैं, सफाई कर्मचारी, वो लोग अगर सूखा और गीला कूड़ा अलग नहीं होता है तो उन्हें वो अपने हाथों से अलग करना होता है। दोस्तों, इस गीले कूड़े में बहुत बार हम लोगों के सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं, छोटे बच्चों के नैपकिन्स होते हैं गंदगी वाले, सीनियर सिटीजन्स के नैपकिन्स होते हैं गंदगी वाले, और क्योंकि इन सफाई कर्मचारियों को नहीं मालूम है कि किस में क्या लिपटा है, उन्हें एक एक चीज़ खोलनी पड़ती है। ये जब मैं बोल रही हूँ तो मैं उस चीज़ को विजुअलाइज कर रही हूँ, और दोस्तों, ये बोलना भी मुश्किल है कि उन्हें क्या महसूस होता होगा। वो हमारी तरह इंसान ही है, सिर्फ ये फ़र्क है कि ये काम उनका है कि वो इस तरीके से हम लोगों की गंदगी, हम लोगों का कूड़ा सेग्रीगेट करते हैं। और कुछ चीज़ें होती हैं जो रिसाइकलिंग में जाती हैं, उस कूड़े में से कुछ डिकम्पोज हो जाती हैं, पर कुछ चीज़ें होती हैं जो डिकम्पोज भी नहीं होती। एक स्टडी से पता चला है कि कभी कभी बहुत सारे ऐसे पैड होते हैं जैसे प्लास्टिक की लेयर होती है, उनको 100, 200, 500 से 800 साल भी लग जाते हैं डिकम्पोज होने में, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए ख़राब है, हमारी हेल्थ के लिए ख़राब है, और हर दिशा से जो ख़राब है। तो हमको सिर्फ इतना करना है कि एक प्रयास करना है, एक कोशिश करनी है कि जब हम इस तरह का जो भी कूड़ा है, सैनिटरी नैपकिन है या फिर बच्चों का नैपकिन है गंदगी का, या सीनियर सिटीजन्स का नैपकिन है गंदगी का, हम उसे कागज़ में जब लपेटे तो हम उसके ऊपर एक मार्क कर दें। मैं समझ सकती हूँ कि ये उतना इजी काम नहीं है, बहुत सारे लोग ये नहीं करेंगे या नहीं कर पाएंगे शायद। और दूसरी ये भी एक बात है दोस्तों कि हर किसी के पास इस तरह का कोई उपचार या उपाय पहुंच भी नहीं पाता है। हमारे गांव में जो लोग हैं या छोटे कस्बों में हैं, शहरों में हैं, जो लोग शायद इस बारे में सोचते नहीं हैं या इसकी गंभीरता को नहीं जानते पहचानते। मुझे भी इसकी गंभीरता नहीं पता थी जब तक मुझे मेरे मित्र से ये मैसेज नहीं मिला था। तो ये अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि हम मार्क कर सकते हैं, या फिर हम ये कर सकते हैं कि जिस प्लास्टिक में हमारा वो पैकेट में हमारा वो पैड होता है, वी कैन यूज़ दैट प्लास्टिक पैड ऑल्सो इन थ्रोइंग अवर दीज नैपकिन, सो दैट दे नो कि ये इसके अंदर ये होगा। मतलब हम अपनी अपनी तरफ से, अपने अपने हिसाब से रास्ता चुन सकते हैं उन तक, उन सफाई कर्मचारियों तक के लिए एक इशारा कि इसके अंदर ये गंदगी है, जिससे वो उनके लिए सेग्रीगेट करना इजी हो और उनके लिए थोड़ा आसान हो।
मैं एक ग्रुप से, एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हूँ जिसका नाम है ग्रीन ड्रीम फाउंडेशन। वो लोग काफ़ी मुद्दों पर, काफ़ी समस्याओं को लेकर, बहुत सारे पहलुओं को लेकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं, वेस्ट ऑफ प्लास्टिक, वेस्ट ऑफ अवर फेस मास्क और कागज़ और बहुत सारा, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनसे भी जब मैंने इस बारे में बात करी तो उन्होंने बोला कि दे आर ऑलरेडी वर्किंग इन दिस डायरेक्शन, और हिसार के कम से कम हज़ार दस हज़ार घरों में उन्होंने ये जो है मुहिम चालू कर दी है। और उनका ये कहना है कि एटलीस्ट 92% ऑफ द फीमेल्स इन हिसार, फ्रॉम हिसार, दे ट्राई टू सेग्रीगेट द वेस्ट। वो गीला कूड़ा अलग रखते हैं, सूखा कूड़ा अलग रखते हैं, और वो अपने सैनिटरी नैपकिन्स को अलग कूड़े में डालते हैं। बहुत सारी जो कूड़े की गाड़ियां हैं उनमें भी पीछे दो डस्टबिन्स होते हैं, एक सूखे कूड़े का, एक गीले कूड़े का। हमको सिर्फ इतना करना है कि अपने कूड़े को हम सेग्रीगेट करें और उन दो डिब्बों में डाल दें। मेरा ये मानना है कि इंस्टाग्राम में ये इशू को उठाने से मैं बहुत कुछ नहीं कर पाऊंगी इस समस्या को लेकर, लेकिन मेरा ये बिलीफ है, ये विश्वास है मेरा, ये भरोसा है मुझे कि जैसे आज किसी के एक के मैसेज से मुझे, मैं ये चेतना जागी है, मैं ये वीडियो बना के ये बात और बहुत सारे लोगों तक पहुंचा रही हूँ, तो उसी तरह अगर वो सारे लोग भी, एक एक इंसान अगर इस तरह से अपने घर में सारे लोगों को इस बारे में बताए और इस तरह की चीज़ करने के लिए प्रोत्साहित करे, अपने पड़ोस में ऐसा करें, अपने दोस्तों में ऐसा करें, अपने हेल्पर्स जो हमारे घर में काम करते हैं हम उन तक ये बात पहुंचाएं, और फिर वो अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस में, अपने घरों में, तो मेरे ख्याल से एक दिन हम लोग एक साथ इस समस्या को कहीं ना कहीं बहुत हद तक कंट्रोल कर लेंगे। और ये एक छोटी सी भेंट हो सकती है हम लोगों की तरफ से, आम जनता की तरफ से, अपने उन सफाई कर्मचारी भाइयों बहनों के लिए जो इतने सालों साल से हमारे शहर को साफ रख रहे हैं, हमारे पड़ोस को साफ रखे, हमारे एरिया को साफ रखा, हमारी सिटी, हमारे देश को साफ रख रहे हैं, और जो हमारी गंदगी उठाते हैं रोज़ इसलिए कि हम साफ रहें, हमारे आसपास सफाई रहे, हम एक साफ और स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में रहें। ये हमारा भी हक बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके लिए बदले में कुछ करें। तो इतना छोटा सा तो एक कदम हम उठा सकते हैं। आई रिक्वेस्ट ऑल माई फ्रेंड्स टू स्प्रेड एज मच एज दे कैन अबाउट दिस वेस्ट जो हम सेग्रीगेट कर सकते हैं, और सूखा कूड़ा अलग रखें, गीला कूड़ा अलग रखें, और स्पेशली जो भी हमारे सैनिटरी पैड्स हैं, जो भी हमारे बच्चों के गंदगी के पैड्स हैं, और जो हमारे सीनियर सिटीजन्स के गंदगी के पैड होते हैं, हम उन्हें मार्क करके रखें। हम अपना अपना तरीका अपना सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हमको कोई ये राय दे रहा है या ये एक उपाय दे रहा है कि हम उन्हें कागज़ में लपेट के उसमें कुछ मार्क करें। हम अपना एक तरीका अपना सकते हैं, जैसे मुझे लगता है जो हमारा सैनिटरी नैपकिन का पैड बैग खाली होता है, वी कैन यूज़ दैट ऑल्सो सो दैट दे नो यस दिस माइट हैव दैट थिंग। तो आई थिंक हम बहुत बड़ा डिफरेंस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।